नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लैपटॉप के जो वाईफाई है उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ, जो मैं कुछ दिन से भी फेस कर रहा था। जनरली होता क्या था कि यहाँ पर जो इसका कनेक्टिविटी ऑप्शन है, हम इसमें जाते थे तो यहाँ पर जब कनेक्ट करते थे इसको, तो यहाँ पे जो अभी जो नेटवर्क आ रहा है ये नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो इसकी प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया उसको मैं बताने वाला हूँ आज। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम में जाना है, गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम को ऑपरेट करना है और यहाँ पे लिखना है आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन और इसको सर्च करना है। उसके बाद आपको जाना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन डाउनलोड फ्री ड्राइव अपडेट सॉफ्टवेयर, इसमें जाना है। इसके बाद ये ऑप्शन खुलता है, तो इस पर यदि आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स, तो आपके सिस्टम में जितने भी ड्राइवर्स का रिक्वायरमेंट है या बाय डिफ़ॉल्ट और रिमूव हो चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद इसमें आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएंगे और लास्ट में एक बार सिस्टम रीस्टार्ट होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेटवर्क नहीं आ रहे थे वहाँ पे नेटवर्क वापस शो होने लगेंगे और आप अपना लैपटॉप को मोबाइल के हॉटस्पॉट से जोड़ पाएंगे। Installation is a serious matter. This process usually takes 15 to 50 minutes. You will have to be very patient, but eventually, everything is certainly going to be okay. Okay.